सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, और स्पेशली जो हमारे जो खास गेस्ट मैं कह सकता हूँ जिनमें डॉक्टर अली नवाज और इसके साथ जो है डॉक्टर उस्मान शेख, और इनको स्पेशली के कंग्रेचुलेशन कि इन्होंने पार्ट वन जो है एनएलई का वो पास किया है। और हमारी और जो है वो नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनका जो है वो पार्ट टू भी बहुत अच्छे से पास करवाए और वो पहली अटेम्प्ट में ही पास हो। तो जैसा कि जितने भी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरी तरफ से जितने भी होंगे वो भी आपको, अगर आप चैट बॉक्स एक बार पढ़ें तो आप लोगों को खुशी होगी पढ़ के, क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी ये सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस के मैसेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरी साथ बहुत ज्यादा नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सबको पास करवाए और उनको भी पहली ही अटेम्प्ट के अंदर वो सारे पास करें, ताकि आप सबको भी पता होगा क्योंकि क्योंकि आप लोगों ने कुछ माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों ने फेलियर को फेस नहीं किया, लेकिन ऐसे बंदे जो जिन्होंने फेलियर को फेस किया होगा वो इनके क्लास फेलोज होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे, तो उन लोगों को पता होता है कि हाँ जी जनाब ये कितना डिफिकल्ट मोमेंट होता है और ये कितना डिफिकल्ट जो है मरला उनके लिए होता है। तो अल्लाह ताला किसी को भी ये जो मरला, या माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जिसमें से ये पास हुए हैं वो फेलियर की तरफ जो है वो किसी को फेस ना करने के दे। बाकी अभी हम इनसे पूछते हैं वन बाई वन के माशाल्लाह इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, और जब ये पेपर के अंदर गए तो क्या इनके किस तरह पेपर इन्होंने सॉल्व किया, नंबर टू। नंबर थर्ड हम इनसे ये पूछेंगे कि तैयारी जो है वो किस तरह करनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके जितने भी कोई भी क्वेश्चंस हुए वो सारे हम लेंगे कि हाँ जी जनाब आप लोगों का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग भी पूछ सकते हो, ठीक है। और चैट बॉक्स को आप लोगों ने नोट करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा आपका प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। इसके साथ मैं ये स्टूडेंट्स तो बहुत बात की बातें हैं, स्टूडेंट्स के बढ़ से बढ़कर ये एक तरह के जूनियर्स भी हैं, जूनियर्स से भी बढ़कर आप ये कह सकते हो कि उस्मान और जो अली नवाज हैं ये मेरे रूममेट रह चुके हैं, मतलब कि जब मैं उधर होता था खुद पढ़ता था तो हम एक ही फ्लैट के अंदर हम रहते रहे हैं, और एक फ्लैट को छोड़कर हम एक रूम के अंदर रहते रहे हैं, और फिर रूममेट्स जो होते हैं उनको माशाल्लाह एक दूसरों की बातों का भी बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। तो पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हेल्प भी की थी। और अगर मैं अली नवाज की बात करूँ तो अली नवाज वो बंदा है कि मेरी अभी अगर आप यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो देखोगे तो उसमें है ब्लड सप्लाई की, मतलब कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखोगे तो जो पहली वीडियो बनाई है वो अली नवाज ने बनाई थी। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर जो पहली वीडियो बनाने का मतलब कि मरला स्टार्ट किया था तो इस बंदे के पास मोबाइल फोन मैंने दिया हुआ था इसको, और मुझे अभी भी याद है जो मोबाइल फोन था वो आईफोन 5 5 प्लस था, वो इस बंदे के पास 5S था या 5S प्लस, यानी कि इस तरह। तो वो इस बंदे को मैंने मोबाइल फोन दिया था और ये बंदा बेचारा अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, इसने मुकम्मल तौर पर वीडियो बना रहा था कि हाँ जी आप स्टार्ट कर दें, आप ठीक है ये वो। और इसके साथ अगर कोई भी तैयारी, इवन तक के मैं कभी भी किसी भी इवेंट्स पे जाता था, कभी हमारा कोई कंपटीशन वगैरह होना या वैसे कोई पार्टी होना, तो इन लोगों, ये वो बंदे हैं उस्मान शेर हो गया मोस्टली इस मामले में, कि इसने मुझे बताना तुम ये ड्रेसिंग करो तो ये ठीक है, ये वाली तुम्हारे लिए सूट करेगी, और अली नवाज इसने भी बताना कि हाँ यार ये ठीक है। और आधी से ज्यादा जो जो शर्ट्स होती थी वो आधी मैं इनकी यूज कर रहा होता था, और दूसरे कहते तो माशाल्लाह यार क्या मतलब आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई, और उनको क्या पता होता था कि हाँ यार शर्ट किसी की है, वो वाला सीन होता था। तो बहुत अच्छा इनके साथ टाइम गुजरा, बहुत खुशी हुई, बाकी सब अजमियंस के लिए भी बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने उन सबको पास किया, लेकिन स्पेशली इन दो बंदों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और कुछ बंदे हैं जो फेल हुए और उनके लिए बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन इनशाला अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है, इनशाला वो सब भी पास हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हम अपनी में बातें बंद करता हूँ, इनसे स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा जी आप बताइएगा कि सबसे पहले के प्रिपरेशन का जो मूवमेंट्स थे वो किस तरह के थे, और किस तरह फिर आप लोगों ने शुरू किया, और ये सारा कुछ कौन पहले स्टार्ट करेगा जी, उस्मान या फिर अली नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। थैंक वालेकुम सलाम। यू सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें इतनी इज्जत दी और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया और हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन कराया और इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, कह लूँ भाई कह लूँ एक ही बात है, बाकी आपने बच्चों को अच्छा बता पहली तो बात दिया ये कि मुझे क्या सर हमारा मत रिश्ता कहो, है। उसकी रीजन ये है कि वो तुम्हारे मुंह से जो सर फील हो रहा है ना वो मुझे कुछ और लग रहा है। अच्छा लास्ट में मेरी इससे मीटिंग हुई था, मैं उकाड़ा में गया था तो मेरी मीटिंग हुई है, तो मैंने कहा
तुम अगर पास होगे तो क्या करोगे? कहता जो तुम कहो। तो शायद तुम्हें याद हो ये वाला लास्ट वाली मीटिंग, मैंने कहा जब तुम पास हो गए ना, तुमसे मैंने फेसबुक के ऊपर ने एक अच्छे वाली लाइनें लिखवानी है कि हाँ जी जनाब आप बताओ कैसे पास हुए। शायद याद है तुम्हें वो भाई, याद है। लास्ट टाइम अब बोलो भाई, बोलो यार, वो सर सर तुमसे याद है सुनता जी, तो सब थोड़ा कुछ सा ऑकवर्ड सा याद लगता है। है। जी, सबसे पहले कंटिन्यू तो करो। रबी भाई के माँ बाप की दुआएं थी, कुछ अपनी मेहनत थी, अल्लाह ताला ने, मेहनत करना हमारे बस में है, बाकी रिजल्ट तो खुदा के हाथ में है। इंसान ने अपनी मेहनत की है, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। कुछ माँ भाइयों की दुआएं थी, कुछ आप जैसे दोस्तों की दुआएं थी, और स्पेशली रबी भाई जिस तरह आपसे ही पढ़ना शुरू किया, वरना हम तो वो बंदे थे कि आप पढ़ते होते थे, आपको देख के हम तो अब अपनी अयाशियों में ही थे किर्गिस्तान में। तो आप हमारे रूममेट थे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशफहमी है, और आपको देख देख के पढ़ना शुरू किया, और स्पेशली लास्ट ईयर में तो जब आपने अपनी अकेडमी वगैरह बनाई तो आपसे ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट की हैं, सर्जरी वगैरह भी आपसे ही पढ़ी थी, तो गाइनी ऑब्स वगैरह जो जो आपने पढ़ाया, और वो इम्यूनिटी बायो कैम वगैरह, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ही किया था। जिस तरह आपने बताया वैसे वैसे ही तैयारी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का बहुत फायदा हुआ। और जैसे आप बता रहे थे हमें कि किर्गिस्तान आने से पहले कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें ना एटलीस्ट आपको अच्छे तरीके से आती हो, फिंगर टिप्स पे हो, तो वो आपकी बातें उन्होंने बहुत फायदा दिया, एग्जाम में वो चीज़ें बहुत काम आई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पाकिस्तान में आए थे तो ऐसी तैयारी थी कि हमें अकेडमी की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने अकेडमी ज्वाइन की, ना अली ने अकेडमी ज्वाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 70-20% ना किर्गिस्तान में कवर था, और उससे मोस्टली पार्ट जो था ना वो आपकी वजह से हुआ, तो उसका क्रेडिट, बहुत ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि वो आपने वो जो सर्जरी की क्लासेस की, वो पीडियाट्रिक्स की, ओप्स गाइनी, वो चीज़ों ने बहुत ज्यादा क्लिनिकल में फायदा दिया। और बाकी जो कुछ चीजें थी थोड़ी बहुत, वो यहाँ पे आके कुछ एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व किए, तो उससे बहुत हेल्प हुई। मैं बस यही कहना चाहूंगा सबको कि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए, कि यहाँ आने से पहले पहले पाकिस्तान में आने से पहले पहले स्पेशली पैथोमा आपको अच्छे से आनी चाहिए, सीके टू अच्छे से करके आइएगा, और जो बेसिक है वो फर्स्ट एड से अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको अपने में और जो दूसरे बच्चे हैं उन सब में आपको फर्क का पता चल जाएगा। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जो बच्चा सभी भाई से पढ़ेगा, इनशाला इनशाला उस बच्चे को अकेडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये बात तो हमने प्रूव की और हम गवाह आपके सामने बैठे हुए हैं। इस चीज की कितनी पार्टी लेनी है ये बता दो बस अभी भाई इंशाल्लाह मैंने एक दो दिनों तक आ जाना है लाहौर, तो फिर पार्टियां पार्टियां। हाँ इनको सही हो गया। और जी बाकी यार जो भी बात की, अगर देखें स्टार्टिंग में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे जब हम रूममेट्स होते थे तो हम इनको कहते थे कि आप पढ़ो, समझ आ रही है? लेकिन जो चीज आपके पास अवेलेबल होती है वो, मतलब कि कोई भी होता है तो बंदा जो होता है वो ये कहता है कि यार उस तरह वो इफेक्ट नहीं करती होती। लास्ट ईयर जब इनको चीजें सामने आई, जब इनके सर के ऊपर पड़ी, तो इनको लगा कि हाँ यार अब पढ़ना चाहिए। तब इन लोगों ने मुझे कई बार घूमता है, मैंने कहा कि हाँ यार इंशाल्लाह अभी हम ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारा मेन यही टारगेट होगा कि हम मेन जो बुक्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जिनके मेजर मार्जिन है वो निकालें। तो क्योंकि उस वक्त फाइनल ईयर के बच्चे ज्यादा थे, हमने इसी वजह से उसके ऊपर फोकस किया। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन मोर देन 25 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर हमने पूरी की पूरी सर्जरी खत्म की थी और गाइनी ऑप्स खत्म किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पीड्स के 12 लेक्चर्स लिए, उसके अंदर पूरी पीड्स को खत्म कर दिया था। और बाकी इसके साथ जो था बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी का, पूरे का पूरे इम्यूनोलॉजी मेरे ख्याल में 13 to 14 डेज, 14 लेक्चर के अंदर पूरी इम्यूनो खत्म हुई थी। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा कि देखें, बच्चे दूसरे भी होते हैं, वो भी पढ़ रहे होते हैं, सारा सीन होता है। लेकिन अगर जो इंसान खुद स्ट्रगल नहीं करता या खुद नहीं पढ़ता, तब तक अगला टीचर जो भी हो वो जितना मर्जी पढ़ाता रहे उसका इफेक्ट नहीं होगा। मैं अपने से ज्यादा ये क्रेडिट आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों ने स्ट्रगल की इन डेज के अंदर। जैसा भी है, अगर आप स्ट्रगल ना करते, मैं जिस तरह मर्जी पढ़ाता रहता, वो मेरी चीजें वो इफेक्ट नहीं करनी थी। इस वजह से इंसान को सबसे पहले, वो कहते हैं ना कि अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर सबसे पहले तो हम जैसे आते हैं, फिर कोई हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं, दोस्त हो गया, जिससे फायदा हुआ वो चीजें आ जाती हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको और बहुत ज्यादा कामयाब करे। और ये बताइएगा कि एग्जाम वाला जो दिन था, जब आप एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे, तो मेन क्या था आपका कि हाँ जी जनाब आप किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या आपका टारगेट होगा, क्या हिसाब होगा? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहले होता है ना, इन मेहनत तो सब बच्चे करते हैं, बट जो मैं समझता हूँ ना कि इंसान की जो गाइडेंस होती है ना, वो अगर अच्छी मिल जाए ना तो मैक्सिमम बच्चे एग्जाम पास कर सकते हैं।
तो अगर आप किसी सीनियर वगैरह से इन बच्चों को के लिए तो आपकी गाइडेंस है, आप अगर इनको गाइडेंस कर दें, मेरा मानना है कि बच्चे तो सब मेहनत करते हैं, बस बच्चों को ट्रैक पे लाना होता है, जो बच्चा ट्रैक पे आ जाता है वो पास हो जाता है। मेहनत करने के भी दो तरीके होते हैं ना, एक राइट वे होता है और एक रॉन्ग वे होता है। तो इसी हिसाब से जितना पढ़ लें अच्छा पढ़ लें। बाकी रही भाई बात अभी भाई एग्जाम की, एग्जाम में तो जब गए थे तो दिल की तो हार्ट बीट थे एक बार, तो भाई आपको पता ही है क्या सिचुएशन होती है, और ऊपर से आपको पता है रूमर्स होते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सबका प्रेशर, बाहर से पढ़ के आए हो, ये है वो है, तो आप सबको इन चीजों का फेस करना पड़ता है। तो जब एग्जाम देने गए थे तो सबसे पहले तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि हमसे पहले सब एग्जाम वो मोबाइल पे वगैरह लेते रहे, आईपैड पे। तो जब हमारी बारी थी तो हमें वो कार्बन कॉपी वगैरह प्रोवाइड कर दी थी, जिस तरह हम एमडी कैट के बच्चे हैं, वो देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और उस चीज की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी। तो जब वो एमसीक्यूज करना स्टार्ट किए तो कुछ एमसीक्यूज में तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि वो बबल फिल करते करते आपको कम से कम 5 से 7 सेकंड चाहिए होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस थे। तो स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले, बल्कि आपसे भी शेयर की थी जब आप आए थे वो कड़ा इकट्ठे लास्ट टाइम चाय पी, तो आपने भी मुझे यही कहा था कि उस्मान जो आते हो ना एमसीक्यूज पहले कोशिश करना कि वो करो कम से कम। वो मुझे आपकी अभी भी बात याद है कि जो एमसीक्यूज आता हो ना उसको मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड में करना है, तो हाँ बिल्कुल वैसे ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहली बार गो थ्रू किया ना तो 150 एमसीक्यूज हो गए थे, 50 एमसीक्यूज रह गए थे। तो 50 एमसीक्यूज में कुछ आपको पता है ऐसे भी होते हैं जिसमें से इंसान दो ऑप्शंस को तो स्टेटमेंट पढ़ के साइड पे कर देता है, यार ये तो बिल्कुल ही नहीं है, इन दो में कंफ्यूजन रह जाती है, कुछ ऐसे भी थे। तो ऐसे करके तो एग्जाम हो गया, पर फिर भी मेरे तकरीबन 2-3 एमसीक्यूज रह गए थे आखिर में, तकरीबन उसके ईएनटी के ना 1-2 एमसीक्यूज रह गए थे, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी कम थी, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी उस चीज की, तो वो मेरे एंड पे 2-3 एमसीक्यूज आ गए थे। पर मैं इतना श्योर था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम दिया था। अच्छा, जब एग्जाम हो गया आपका, आपको कितने परसेंट श्योर थे कि ये तो आपकी मुकम्मल जो है ना वो ठीक ही है? मतलब कि जब इंसान को होता है ना कि यार ये मेरे तो मुकम्मल तौर पर ठीक है, ऊपर की छोड़ो। रवि भाई जब एग्जाम दे के बाहर आए थे ना, तो मेरी और अली की यही डिस्कशन हो रही थी, तो अली और मेरा यही था, हम दोनों के तकरीबन तकरीबन 125 से 30, 130 के राउंड अबाउट, तो 100% ठीक थे, इतने तो हंड्रेड देखें परसेंट ठीक बच्चों, थे। मेन जो है ना, जैसा कि डॉक्टर उस्मान ये कह रहे हैं कि तकरीबन 120 से 130, जिस बच्चे के मैं गारंटी के साथ कहता होता हूँ यही बात, कि जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है और उसके 120 के राउंड अबाउट नंबर उसको लगता है ना कि वो उसके ठीक है, तो उस वो पास हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है, अब तो 50% कर दिया है, पहले जब 70% था, अगर उसको लगता है ना कि उसके 130 एमसीक्यूज 100% ठीक है, तो वो भी पास हो जाएगा, क्योंकि 140 वाला तो पास ही है। तो इसके साथ ये बताइएगा कि जैसे आप पाकिस्तान में आए तो रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ आपके जूनियर्स और सीनियर्स और ये सारा, उनसे क्या सुनने को मिला कि हाँ यार किस तरह पढ़ोगे, ये क्या है, पास करना बहुत मुश्किल है, एक टेस्ट होता है गया तो बंदे को पास नहीं होता, ऐसी कोई बातें आपने सुनी थी? देखें सभी भाई ऐसी बातें तो फिर सब ही करते हैं, स्पेशली जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको पता है ज्यादा तलख बातें करते हैं, कि हर सोसाइटी में आपको पता है कैसे लोग होते हैं, कुछ जो आपको कोशिश करते हैं कि आप ना ही ऊपर बढ़ो। तो कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसी बातें की, पर कोशिश यही किया कि उनको इग्नोर किया जाए और मैक्सिमम मैक्सिमम अपना टाइम स्टडी को दिया जाए। जब से पाकिस्तान आए थे 2-3 दिन रिलैक्सेशन ली, उसके बाद अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लिया, एक कमरा था उसमें घर वाले खाना पीना देते थे, घर वालों को भी इसमें बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो घर वाले तो लास्ट टाइम तक कहते रहे बेटा अकेडमी ज्वाइन कर लो, अकेडमी ज्वाइन कर लो। मेरे ख्याल में उस सिलसिले में उन्होंने अब्बाजी ने आपसे भी बात की थी कि हाँ, मेरे से अकेडमी उस्मान को, हाँ तो आपने भी यही रिकमेंड किया था कि नहीं ये घर पढ़ लेगा, इसको घर थोड़ा सा माहौल दो पढ़ने वाला, आपकी आवाज तो सही इसका नहीं आ एग्जाम रही, क्लियर हो जाएगा सॉरी। इंशाल्लाह। अब आ रही आवाज ठीक? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जबी भैया आवाज आ रही है? लगता है जबी भैया आपका अपना इंटरनेट बेहतर इतना सा आवाज वीक नहीं है। है, मेरी चलो तो एक दिन हम
अच्छा यार सॉरी, वो आवाज का उनका नहीं बल्कि मेरा नेटवर्क का इशू बना हुआ था। ठीक है, तो अजवत होस्ट मुझे बना देना। ठीक है बच्चे, मुझे होस्ट बना दो। अच्छा जी, डॉक्टर अली नवाज से जो है ना, आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो साथ साथ इनसे क्वेश्चन पूछते रहिएगा। ये ना हो कि मैं ही पूछता रहूं और उसके बाद आप लोग कहो कि हाँ जी जनाब, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं पूछने दिया। आप लोग जो भी हैं साथ साथ जो है ना बच्चों को क्वेश्चन पूछते रहिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सलाम। अली कैसा है? ठीक है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रवि भाई आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? ठीक है। का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा ये चैट बॉक्स के अंदर प्लीज जितने जो दूसरे बंदे हैं ना वो साथ साथ क्वेश्चन पूछते रहें। अगर आपने क्या पूछना है, क्या हिसाब है, और कोई भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मीटिंग एंड होती है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे अभी भी पता है कि एक हमने मीटिंग की हुई थी के हाउ टू पास नैब एग्जाम, तो उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर थी तो बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे। फिर बाद में मेरे पर्सनल नंबर पे कि सर इस तरह कर सकते हैं कि उनका नंबर दे सकते हैं, और उसके बाद सर वो क्या बात थी, सर इस तरह क्या है, सर उस तरह क्या था। बेहतर ये है कि ना आप अभी पूछ लें जो भी बात आपने पूछनी है, और इसके अंदर इंशाल्लाह आपकी सारा कुछ जो है ना वो कवर हो जाएगा। अच्छा जी, ये आप दोनों के लिए क्वेश्चन है कि ENT आपने कहाँ से की थी, नंबर वन। और नंबर टू के भाई पैथो के लिए अगर सिर्फ पैथोमा ही फिंगर टिप से कर लें तो काफी है, और फार्मा का भी बता दीजिएगा इनको। हाँ जी भाई, ये जो है ना, यहाँ पैथो पैथो आपकी मोर देन इनफ है। ठीक है, ये आप पैथोमा से पढ़ लें। इस इवन जो हमारे MCQs आए थे ना, हमने वन गो में किए थे। जो पैथोमा पढ़ी हुई थी, पैथोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, और ENT हमने पढ़ी थी डीम्स वगैरह के नोट से। सही हो गया। और इसके बाद स्टडी स्केड्यूल बता दीजिएगा कि कितना यार पढ़ना चाहिए। फोर्थ ईयर के जो फोर्थ ईयर के एंड पे तकरीबन स्टूडेंट्स हो जाते हैं, और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको कम से कम आप ये बता दें कि कितना इनको डेली पढ़ना चाहिए, और पाकिस्तान आने से पहले इनका क्या टारगेट होना चाहिए कि कम से कम इनको ये चीजें कन्फर्म 100% ही होनी चाहिए, ताकि जब ये पाकिस्तान आए तो ये एग्जाम क्लियर कर सकें। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनको कम से कम होनी चाहिए? जबी भाई, यार सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ, इनवाइट किया, क्योंकि जहाँ से बंदा स्टार्ट करता है वहाँ से जो है ना एक बड़ी फीलिंग होती है। जब आप जाके वहाँ पे अगर लेक्चर दे रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ है यार कि पाकिस्तान आने से पहले जो है ना आपने करना है कि एक दफ़ा जो है ना सिलेबस आपने पढ़ देना सारा, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। कोई जरूरत नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ना है, जो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में इवन आप 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हो ना, वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, और आपने इस चीज से डिसहार्ड नहीं होना कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने सर्जरी किसी और बुक से पढ़ी है और आपने किसी और बुक से पढ़ी है, और वो आपके आके क्वेश्चन करता है, आपको नहीं आता, तो इस चीज से कभी डिसहार्ड नहीं होना, क्योंकि हर बुक पे नॉलेज डिफरेंट होता है। ठीक है, तैयारी आपकी भी उसके जितनी होगी, उसकी भी आपकी जितनी होगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप पाकिस्तान आ जाते हो ना, वहां से आपने लाजमी एक दफा सिलेबस पढ़ के आना है, जैसे मर्जी पढ़ो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जब के अंदर कौन सी बुक्स कम से कम इनको आनी चाहिए, मतलब कि यार कम से कम जो है ना इनको फर्स्ट एड स्टेप वन, और स्टेप वन तो खैर इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन स्टेप टू जो है ना वो आपको आनी ही चाहिए सारी की सारी। और पैथोमा, ठीक है, पैथोमा कह लें कि आपका जो है ना 40 से 50% जो, अगर आपको पैथोमा आती है ना तो आप एग्जाम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आप पाकिस्तान आते हो ना, तो पाकिस्तान आके आपने जो है एक स्केड्यूल बनाना है कि भाई इतनी जो है दिनों में ये चीज मैंने कवर करनी ही करनी है। ठीक है, और आपने सिस्टम वाइज पढ़ना है, ये नहीं कि एक टॉपिक ही सिस्टम का पढ़ दिया, एक टॉपिक को सिस्टम का पढ़ दिया, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, वो पीछे जो आप किर्गिस्तान में करते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके आपने उसी सिस्टम की एनाटॉमी, आपने फिजियोपैथो सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद आप उसका क्लिनिकल पढ़ लें, सिस्टम वाइज चलना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो जबी भाई आपको पढ़ाते हैं ना, यकीन माने वही है सब कुछ।
ठीक है, कोई बंदा अगर आपको कहता है ना कि पाकिस्तान जो है जबी भाई का पढ़ने के बाद आप पाकिस्तान जाके एकेडमी लगाओ, तो यकीन मानो वो बंदा सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ठीक है, क्योंकि जो है वहां पे आपका पैसा भी जाना है, आपका टाइम भी जाना है, घर से भी आपने दूर रहना है। ठीक है, और जबी भाई जो आपको पढ़ा रहे हैं, इवन ये देख लें कि मैंने ना सर्जरी जो है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इन सब दौरान में ना, तो मैं वो थोड़ा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने जबी भाई के सारे नोट्स पढ़े। और जो अब्दुल वहाब डोगर है ना, वो मैंने 3 दिन में तकरीबन, या 3 से 4 दिन में सारी बुक पढ़ ली। सारी तो नहीं, खैर जो जबी भाई ने टॉपिक पढ़ाए हुए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ता था तो सारा कुछ सेम वही लिखा होता था जो इन्होंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद सर्जरी पीड्स हो गई, मेडिसिन हो गई। ठीक है, और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, जब ये आपको बता रहे होते हैं ना कि भाई ये देखो इस तरह के एमसीक्यूज बनता है, उस पे थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, जो टॉपिक आपने पहली दफा देखा उसमें से खुद भी निकालो कि यार हाँ जबी भाई ने इस तरह से बताया था, तो इस तरह से हम खुद भी इस चीज में से एमसीक्यूज निकाले ना, वो बहुत आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है, अगर आप क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान जब आते हो तो टाइम तो बिल्कुल भी भाई वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और यकीन करो जब आप देखोगे ना कि आप एक पढ़ के आए हो वहां से, तो आपको पता चलेगा कि आप में और जो दूसरे हैं जो आपके साथी जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उनमें एक फर्क होगा, जरूर होगा, लाजमी होगा। ठीक है, और इसके अलावा यार अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो ये सब चीजें, इसके अलावा कोई नहीं है। सर पथोमा अच्छा कहाँ से करेंगे, बहुत शॉर्ट है, रट्टा लगा यार। हाँ हाँ जी, अच्छा हाँ जी, हाँ, एक फर्स्ट एड बुक हो गई, उसके बाद बच्चे बुक्स का पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन कौन सी करें, मैं एक बार बुक बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई हो तो बताइएगा। ठीक है, एक फर्स्ट एड की बुक हो गई, ठीक है। नंबर टू, आपकी एनाटॉमी के लिए फर्स्ट एड के साथ आप शेल्फ नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो जब यहाँ पर आते हो। फिजियोलॉजी बिल्कुल के लिए आप BRS वो टच दें जो कि फर्स्ट एड के ऊपर है, वो साथ BRS का दे दें। पैथोमा पैथोलॉजी के लिए, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड से, उसके बाद फार्माकोलॉजी फर्स्ट एड से, उसके बाद आ जाती है आपकी मेडिसिन, वो आप करें जनाब आपकी USMLE Step 2 CK से। उसके बाद आ जाती है आपकी ओप्स गाइनी पीड्स, ये भी आप USMLE Step 2 CK से। उसके बाद ENT DNT से थोड़ा सा टीम्स के नोट्स आपके हेल्प करते हैं, बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं आप लोग। और इसके साथ आपकी ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर आपके USMLE Step 1 और USMLE Step 2 CK के एंड के ऊपर दिए हुए हैं कुछ, वो आपको हेल्प कर देता होता है। ये इनके अलावा कोई बुक जो है वो आप अगर रिकमेंड करना चाहें इनको जो मैंने बोली है तो वो सही है, या फिर जो मैंने बताई है वो कोई भी अगर बुक आप कहना चाहें कि इसमें ये अभी भाई ऐड कर दें तो वो बेहतर है। भाई, ये मोर देन इनाफ है। ठीक है, हमने इन्हीं बुक से तैयारी की है, और जो भी हमने एग्जाम पास किया वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक से किया है। ठीक है, और सही। एमसीक्यूज के लिए आपको बताना भूल गए हो, एनएलई जो है। हाँ, हाँ NLE के MCQs के लिए जो मैंने इनको कहा था, मैं एक ने मेडिकल की मैंने ऐप की हुई थी, बाकी मैंने इनको ये कहा था कि वो आप भी अच्छी है। राबिया अली जो है वो आप ले सकते हो। नंबर टू, नंबर थर्ड, मैं अभी जो रफीउल्ला के नोट्स हैं वो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, यानी कि Part 1 के लिए अभी, क्योंकि अभी मेरी हाउस जॉब है तो इसके बाद इंशाल्लाह वो भी सिलसिला शुरू होना है, तो उसके लिए मैं जब वो पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मुझे देखने में मिलती है। मैं कभी सोचता हूँ कि यार ये जो है ना चीजें, ये इनको पढ़नी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वो लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक से कोई उसने 20 20 25 25 MCQs बनाए हुए हैं। मैं अगर अगर आप में से कोई बंदा पाकिस्तान आए तो आप लोगों ने लाजमी, मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि रफीउल्ला के नोट्स एक बार पढ़िएगा, मेरे ख्याल में आपको हेल्प देंगे। तो मैं इनको MCQs ये कहता हूँ कि इधर से करें, और साथ में MCQs के लिए जो मैं खुद फॉर एग्जाम्पल इनको प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो लाइन के आपने इस तरह क्वेश्चन ढूंढना है, इसमें से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको हेल्प कर देंगे। इसके अलावा कोई और MCQs की बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें कि हाँ MCQs इधर से करें तो वो बेस्ट है, वो कौन सी है? अब बस यार यही जो है मेडिकल, और एनएलई की जो बुक है हाफिज आतिफ की, वो बहुत है, मोर देन ऑफ है। जिसने ये दो कर ली उसको एमसीक्यू की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आप, हाँ एमसीक्यू एक चीज है, आपने सॉल्व करने है ना तो आप ऑप्शंस ना देखो, पहले आप डायग्नोज बनाओ उसके बाद फिर आप ऑप्शन देखो, क्योंकि आपके जहन में जब डायग्नोज बन जाता है ना तो जो है 80% वो नीचे जो आपके जहन में आ गया ना वो नीचे होता है।
ठीक है, ऑप्शन में, तो ये इस तरह से आपने करना है, और इसके अलावा ऐसे कोई बुक नहीं है, यही इन्हीं बुक से। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? पैथोमा के लिए बच्चा कह रहा था कि अहमद अगर, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लेक्चर पैथोलॉजी के मेरे लिए हुए हैं बच्चे, जब मैं पढ़ाता था तो मैं पैथोमा भी पूरी की पूरी कवर करता हूँ और फर्स्ट एड भी पूरी की पूरी कवर करता हूँ, और मेरे ख्याल में जब आप कितना मुश्किल है पैथोमा, हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपको फिंगर टिप्स पे आती है, अगर आपने लेक्चर नहीं लिए होगे होते तो यार आप ये मैं बात ना करते, बच्चों ने लिए होंगे उनको यही जो होगा है पैथोलॉजी, ना, पैथोमा जो है वो जल्दी आपको कवर हो जाएगी। मैंने भी लेक्चर नहीं लिए थे पथमा के, ठीक है, तो मैंने सिर्फ जो है ना जबी भाई के क्लिनिकल के जो पढ़े थे, इसके अलावा मैंने कोई एज इट इज पथमा के वो जाके लेक्चर नहीं लिए। तो जो इन्होंने पढ़ाया था ना वो जाके सिर्फ मैंने पथमा से देखा, तो वो इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है, पथोमा। और इतनी कोई मुश्किल वर्डिंग भी नहीं लिखी हुई है, इवन आपको कोई टॉपिक आपने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं है लेकिन आपकी थोड़ी बेसिक है तो आप वो पढ़ोगे ना वो वैसे ही आपको आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई इतना वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो है क्लिनिकल के जबीब भाई के लेक्चर लो, ये मोर देन इनफ है यार। और नोट्स, नोट्स जरूर, जो एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं ना उनके नोट्स जरूर बनाओ, चाहे बुक के ऊपर बना लो, क्योंकि अलग से यार फिर आपको अलग देखना पड़ेगा, बुक से ऊपर होगा ना तो उसी टाइम नजर फिर आप मारो तो वो बड़ी हेल्प करेंगे आपके। इसके अभी अलावा मुदस्सर हबीब कह रहे हैं कि फाइनल ईयर जो है वो उनके लिए क्या रिकमेंड करते हो, फाइनल ईयर के बच्चों के लिए? यार फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं ना वो एक दफा ये सिलेबस सारा जो है ना ये कवर करके आए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे ना यकीन करो आपने सिलेबस कवर किया होगा ना आपके लिए इतना इजी होगा कि आप खुद सोचोगे कि यार मैं इतना मुश्किल समझ रहा था इस चीज को। बस एक दफा सिलेबस जरूर आपने लाजमी सारा पढ़ के आना, और एक जो साल है वो मोर देन इनफ होता है, बहुत होता है यार। ठीक हो गया, गुड हो गया। और हाँ पथोमा के, यार पथोमा की टेंशन ना लो, पथोमा मैं कवर करवा दूंगा। पैथोलॉजी अभी आपकी शुरू होनी है ना सीबीएस की, तो पथोमा आपको फिंगर टिप्स पे होगी बच्चे, वो आप टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। पथोमा के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं, वो तो अभी मतलब के रिव्यू लेक्चर्स हैं, तो वो अगर आप सुन लोगे तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जी 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 बोलो। जबी भाई, अली भाई से और उस्मान भाई से पूछते हैं कि जो सर्जरी के क्वेश्चन थे इस दफा, लास्ट टाइम तो वो काफी मतलब तो डिफिकल्ट था ना, पिक नहीं हो रहे थे, तो वो किस मतलब के नो ये थे क्वेश्चन, थे इजी थे या बहुत ज्यादा टफ थे? और दूसरी बात ये कि सर्जरी में कौन से ज्यादा मतलब टॉपिक्स पे उसने हिट किया था, ब्रेस्ट को किया था, जीआईटी अली को किया और था? उस्मान, यार इस दफा जो पेपर आया ना तो सर्जरी का, वो ये कह लो कि आपके लिए एक जीआईटी, और जीआईटी सारी सर्जरी में ही आती है, ठीक है, तो उसमें से एक भी एमसीक्यूज नहीं था, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनमें से एक भी एमसीक्यूज नहीं था, एक आधे एक या दो एमसीक्यूज हाँ हो सकते हैं ये नहीं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट थे। ऑर्थो में से बहुत ज्यादा, ऑर्थो में से दिए हुए थे, कुछ न्यूरो के उन्होंने सर्जरी में डाले हुए थे, और इतने ज्यादा वो नहीं थे कि मुश्किल थे, बेसिक टाइप के उन्होंने सर्जरी में भी क्वेश्चन डाले हुए थे। और इस अच्छा, दफा जो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पेपर के एमसीक्यूज कुछ देखे थे, तो मुझे ये लगता है कि पीएमसी से जब ये पीएमडीसी आया तो पेपर जो है वो पहले बहुत ही अपडीसी हुआ है, मतलब कि मेरे ख्याल में जब मैं पास पेपर्स के पेपर मैंने देखे थे लास्ट 2 इयर्स के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कोई एफसीपीएस का ही सीन चल रहा है, एफसीपीएस भी बिल्कुल इजी है, होता है। और इस ईयर जब मैंने ये पेपर देखा है तो मुझे ये लगा कि हाँ यार, ये एकदम ऊपर से ना नीचे की तरफ पेपर है, और बहुत ही एक होता है ना कि मेरे ख्याल में मैं एक इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पर जो स्टूडेंट शुरू से क्लासेस लेते रहे, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरे बच्चे हैं इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, कि हर बंदे को अपना, वो कहते हैं ना अपने पानी का पता होगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने पानी में, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि अगर ये स्टूडेंट्स जाते हैं तो इनमें से बहुत बच्चे ऐसे थे जो आराम से निकाल सकते थे, तो पेपर ईजी था और उनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़नी थी। एक तो वो एकदम पीएमसी से पीएमडीसी बनी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, जो कि हम अक्सर बात भी कर रहे होते थे क्लास में कि यार इस तरह हो जाना है, देख लीजिए अगर उन्होंने पास करना, आप स्टूडेंट्स की पासिंग रेशियो देख लें, मेरे ख्याल में मोर देन 90% जो वो है वो स्टूडेंट्स की पासिंग रेशियो इस टाइम निकली है। तो बच्चों
दुआ करें कि पीएमडीसी का जो ये रवैया है वो हमेशा रहे, क्योंकि जो ये ले रही है वो नम्स लेती है, नम्स का जो पेपर का जो लेने का जो पैटर्न होता है उसके अंदर सिर्फ कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं सर्जरी के, उसी से को लिया जाता है। जो मैंने पहले आपको टॉपिक्स करवाए थे, फिर मैंने कहा नहीं यार हम चेंज करते हैं, क्योंकि सर्जरी का पेपर दो लास्ट ईयर से ये तब्दील आ रहा है। लेकिन अब जब मैंने पेपर देखा, मैंने कहा नहीं यार पिछला ही करवा देना, तो वो मोर देन इनफ था। जो मैं रोजाना की वीडियोज जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अली नवाज और उस्मान शेर पेपर के अंदर अपीयर हुए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हाँ पहले के क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चंस में कितना फर्क है। यार पहले के क्वेश्चन जो थे ना वो कह लो कि बहुत ही अपर लेवल, वाकई बहुत ही अपर लेवल के थे, और हमने भी प्रैक्टिस कर करके ना उस हिसाब से ही अपनी तैयारी की हुई थी। ठीक है, लेकिन हाँ आसान थे, बड़े इजी क्वेश्चन थे, इतने कोई मुश्किल नहीं आए सर्जरी में। अल्लाह करे कि जब आप लोग भी आओ तो यही पैटर्न रहे। ठीक है, और बेसिक में होते भी यार जो है एमबीबीएस में होने भी इस तरह की चाहिए, ये जो उन्होंने पास पेपर में पूछे हुए हैं। ठीक है, वो हमने किए थे पास पेपर में, वो बहुत ही हाई लेवल के थे। ठीक है, तो कोई नहीं, इजी रहो, तैयारी करो, लेकिन एक दफा सिलेबस फाइनल ईयर वाले जो है ना वो सिलेबस जरूर पढ़ के आओ, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और कोई बच्चा जिसने कोई बात सिलेबस पूछनी थी? में से क्वेश्चन आते भी है नहीं, क्योंकि समटाइम इस तरह होता है सिलेबस कुछ होता है और एग्जाम किस टाइप का होता है, अगर हम सिर्फ सिलेबस ही यार इस देखें। दफा भी एग्जाम हमारे साथ यही हुआ है। ठीक है, हम क्योंकि पीछे जो आ रहे थे ना एक पास पेपर, जब से ये पीएमसी आई है तो क्लिनिकल आ रहा था ज्यादा। ठीक है, इवन जो बेसिक के क्वेश्चन थे ना वो भी क्लिनिकल टाइप ही बना के पूछ रहे थे। ठीक है, और हमने जो प्रेपरेशन की थी अपनी वो भी क्लिनिकल की ही की थी। हाँ बेसिक, ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दी थी, बेसिक की थी, देखें एक बच्चों ये अपने चीज माइंड में बात आपने कुछ रखिएगा, चीज छोड़नी नहीं है। एक बच्चों अपने माइंड में बात रखिएगा, जिस बच्चे को पैथोलॉजी और फिजियो सही आती होगी ना, उस बच्चे की बेस जो होगी बहुत स्ट्रांग होगी, और वही बच्चा जब क्लिनिकल की तरफ जाएगा ना, दूसरों बच्चों में और इन बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होगा। और वो बच्चे जो सीधा क्लिनिकल की तरफ जाएंगे ना, वो तब तक क्लिनिकल को नहीं पढ़ सकते जब तक उनको बेसिक नहीं आती, उनको बेसिक की बिल्कुल तरफ दोबारा अच्छा, चक्कर लगाना पड़ेगा। ये अगर आप कहो कि हाँ जी जनाब आप बेसिक को पढ़ना छोड़ दो और सीधा क्लिनिकल की तरफ चले जाओ, तो ये बातें ऐवें ही हैं। ये ऐसा ही है कि हाँ जी जनाब आप पहली सीढ़ी पे ना जाओ, आप सीधी जाओ 8वीं सीढ़ी पे, 8वीं सीढ़ी पे एकदम जंप लगाओगे तो मुंह के बाली बाली गिरोगे। आपने जाना है पहले, आपने एक तरह की बेसिक का कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। मैं इसी वजह से आपको कई बार कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, उनको तैयारी का तरीका किस तरह अपनाना चाहिए। उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो सीवीएस शुरू करते हैं, तो सीवीएस की जब वो पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ वो मेडिसिन के अंदर यूएसएमएल स्टेप टू सीके के अंदर जाकर भी वही टॉपिक करें, क्योंकि एट अ टाइम उनकी पैथोलॉजी भी कवर हो रही होगी और एट अ टाइम उनकी मेडिसिन भी कवर हो रही होगी, और एक टॉपिक आपका सेम टू सेम वही तो टॉपिक्स है। फर्क क्या है, जब आपकी पैथोलॉजी जिस बच्चे की अच्छी होगी उस बच्चे का तकरीबन 70% तो मेडिसिन हो जाती है। आप अगर बंदा कहे कि हाँ जी जनाब सीधा आप मेडिसिन की तरफ चले जाओ, बेसिक आती ना हो, तो वो मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल होगा आप किसी भी बच्चे के लिए। तो इस वजह से बेसिक जो है अभी आप लोगों का कोई ये नहीं है। हाँ वो बच्चे ये स्टेप्स ले सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिनका बिल्कुल फाइनल ईयर, कल को 2 महीने बाद एग्जाम है, वो जाके सीधा स्टेप ये लें, वो बेसिक की तरफ ना आए। उनको क्यों, उसकी वजह ये है कि अगर वो सीधा अभी बेसिक की तरफ आएंगे तो उनको इशू बनेगा। लेकिन अगर आप वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, अभी आपके पास पढ़ा है 1.5 साल, फिर अभी आप बेसिक की तरफ से जाओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप निकाल जाओगे। लेकिन अगर आपका 2 महीने बाद ही है, ठीक है, वो थर्ड ईयर वाले बाद में ही आते हैं, अगर 2 महीने बाद पेपर है और फिर आप बेसिक की तरफ आओगे तो वो गलत करोगे। चलो क्लिनिकल से कुछ तो नंबर ले लोगे ना भाई, तो ये बात है, क्योंकि पेपर का जो मार्जिन होता है वो निकालना। और कुछ बच्चों का ये होता है कि सर देखें हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर हम तो दुनिया क्लियर करवाते रहते हैं, इन सब कामों में आ जाते हैं। तो यार एक सिंपल सी बात है, और हर बच्चा ये पूछता है कि सर हम कितना पढ़ें। मैं ये कहता होता था कि आप जिस ईयर के अंदर हो ना, आप अगर उतना उतना पढ़ते हो ना तो आप कामयाब हो जाओगे। मतलब कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चों आप सिर्फ 1 साल पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो ना, सिर्फ 1 घंटा, और उस 1 घंटे के अंदर आपने मेडिसिन का पढ़ना है, मतलब कि एनएलई की तैयारी करनी है, वो नहीं है कि 1 घंटा आपने लिखना है और साथ सामने जो है वो ड्रामा या मूवी चल रही हो। सेकेंड ईयर का बच्चा सिर्फ 2 घंटे, थर्ड ईयर का बच्चा सिर्फ 3 घंटे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो अगर एक फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का बच्चा, और वो पूछे कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो जो फिफ्थ ईयर का बच्चा उसको चाहिए कि वो 5 घंटे पढ़े रोजाना,
और उस 5 घंटे के अंदर मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह, जब वो 5 घंटे पढ़ेगा उसके अंदर निकलेगा ही निकलेगा। वो 5 घंटे के अंदर उसने मोबाइल फोन यूज नहीं करना, उस 5 घंटे के अंदर कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उस 5 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनएलई की तैयारी हो। यहाँ पर आकर कोई बच्चा अगर 5 से 6 घंटे दे देता है ना, अच्छे तरह वो बंदे पेपर निकाल जाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखते होंगे कि हाँ जी जनाब, जो सीनियर्स हैं उनका पेपर नहीं निकल रहा, जूनियर्स का पेपर निकल रहा है, उसकी रीजन पता क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि सीनियर्स पहले से पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन सीनियर्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल गौर के साथ, तवज्जो के साथ 3 महीने ही नहीं सही तरह लगाते। जूनियर्स आते हैं बाद में और 3 महीने ऐसा पढ़ते हैं कि वो जनाब हर चीज भूल जाते और वो आराम से पेपर निकाल लेते हैं। यही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालने का और दूसरी तरह पेपर निकालने। और फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, उस बंदे ने तो किर्गिस्तान में पढ़ा ही नहीं था और उधर गया तो वो पेपर निकाल गया। भाई उसने 3 महीने में इतना पढ़ा कि वो बंदा जो पढ़ रहा था वो उसका वही पैटर्न था, उसने चेंज ही नहीं किया और वो 3 महीने में सिर्फ उसने पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो बुक्स आपने बता दी ना सभी भाई, अगर वो बंदा कोई बुक्स पढ़ के आ जाता है ना, और यहाँ पे वो बुक्स पढ़ लेता है, रिवीजन कर लेता है, तो जहां से मर्जी ये उठा के एग्जाम बना लेना, वो बच्चा पास है, 100% श्योरिटी है। यार इनको एक बार अपने अपने तरीके से भी आप बता दीजिएगा कि रिवीजन का क्या मेथड होना चाहिए, फिर मैं इनको बता दूंगा कि आप रिवीजन किस तरह कर सकते हो। हाँ जी, रिवीजन का मेथड इनको बता दीजिएगा कि आप किस तरह रिवीजन करते रहे हो और इनको क्या तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह ये रिवीजन कर सकते हैं। यार रिवीजन के जो है ना, एक दफा आपने सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, सारा खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने जब सेकंड रिवीजन करनी है ना, सेकंड रिवीजन आपका उस पे टाइम बहुत कम लगेगा, तकरीबन कोई, अगर आपने सिलेबस किया ना 3-4 मंथ में पहली दफा, दूसरी दफा वही सिलेबस जो ना आप 1 मंथ में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपने तीन तीन तो मस्ट है ना, 3 रिवीजन तो मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जब आप तीसरी रिवीजन करोगे ना, तो वो आपको तकरीबन कोई 20 दिन लगेंगे, या कह लो 15 दिन लगेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उस तीसरी रिवीजन के बाद वो जो आपने पढ़ा होगा ना, वो चाहे आप 1 महीना भी बुक्स को हाथ ना लगाओ, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते रहो ना, वो आपके जहन से नहीं निकलेगा, ठीक है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एग्जाम था ना 6 नवंबर को, ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से पढ़ा हुआ था, वो अचानक से उन्होंने डेट चेंज कर दी 20, तो हमने उससे पिछला जो महीना है वहां पे हमने सिलेबस खत्म कर लिया था जी, 15 को हमने सिलेबस खत्म करना है और बाकी जो 15 से 20 दिन है हमने सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। तो अभी हम जो मैम हो गया, उस्मान हो गया, हम जो एग्जाम दे के आए हैं ना, वो उसी जो सिलेबस हमने तकरीबन 1 माह पहले पढ़ा हुआ था, उसी सिलेबस से दे के आए हैं, उसी रिविजन से दे के आए हैं, ठीक है। लेकिन ये था कि हमारी तीसरी दफा जो है ना रिवीजन थी। अच्छा, और ये तो हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू करें। ये तो डॉक्टर अली नवाज ने ये बताया कि तकरीबन इतनी आपकी रिवीजन होनी चाहिए जब आप इधर आए, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप 3rd ईयर का स्टूडेंट है तो उसको किस तरह रिवीजन अपनी इफेक्टिव बनानी चाहिए, 4th ईयर का है तो वो किस तरह बनाए, 2nd ईयर का है तो वो किस तरह बनाए। देखे बच्चों, एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, जो हम अपना हमारा जो इंसानी माइंड होता है वो इस तरह का होता है कि हमें चीजों को रिपीट करना पड़ता है याद रखने के लिए। इवन तक कि मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी जब कई बार मैं जब लेक्चर देता हूँ, कभी भी ऐसा लेक्चर नहीं होता कि मैं वो 1 घंटा या थोड़ी देर पहले मैं अपना टाइम दे के उसको ना पढ़ूँ और बगैर पढ़े मैं लेक्चर दे दूँ। अगर वो बगैर पढ़े मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मुझे एक तरह का वो डाउट हो रहा होता है कि हाँ यार यहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ। जब मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, और जो बंदा पढ़ाता होता है उसकी लर्निंग में और पढ़ने वाले की लर्निंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, और फिर भी मुझे रिवीजन करनी पड़ती है चीजों की, तो आप लोगों को देखो कि अगर आप लोगों ने किसी पेपर के अंदर अपीयर होना तो आपको कितनी रिवीजन की जरूरत होगी। रिवीजन एक बहुत जरूरी चीज है, इसके ऊपर आपको लाजमी गौर करना पड़ेगा। बंदा कहता है कि हाँ जी जना मुझे न्यूरोनॉटमी आती है, बंदा पूछता कब की थी, वो कहता हाँ मैंने 6 महीने पहले की थी। अब उसको न्यूरोनॉटमी का ये नहीं पता होगा कि ट्रैक्स जो होता था वो जनाब उसका एंड पॉइंट क्या था, समझ आ रही है, बस उसका सेंटर एंड वाला कौन सा था, उनको ये पता नहीं होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि हाँ जी जनाब अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस लेवल के ऊपर रिवीजन होती है तो फाइंडिंग्स क्या होंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि उसको आता नहीं है, उसकी वजह ये है कि उसने रिवीजन नहीं की। रिवीजन बहुत जरूरी है। अब हम कैसे कर सकते हैं रिवीजन, बात ही इसकी तरफ है। रिवीजन करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपने देखा कि आपने एक बुक जो है ना, या एक एक चैप्टर, जैसा कि आपने सीवीएस कर लिया, एक सिस्टम आपने कर लिया, अब जैसे पूरे का पूरा सीवीएस का सिस्टम करते हो ना, आपको अपने वीक के अंदर एक दिन ऐसा जरूर रखना चाहिए। जस्ट इमेजिन करें कि आप संडे का दिन रखते हो, उस संडे वाले दिन के अंदर आपने ये करना है कि यार जितना मैंने वो पढ़ा है ना, वो मैंने पूरा एक वीक वाला जो है वो मैंने रिपीट करना है, समझ आ रही है।
कम अज कम आपका वो वीक वाला तो कवर हो जाएगा। उसके बाद जब वो आपका चैप्टर हो जाए तो आपने कहना है कि हाँ यार ये जो चैप्टर है ना मैंने उसके बाद जब आप नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करने लगा लेकिन इसके साथ मैंने पिछला जो चैप्टर है उसको भी माइंड में रखना है, तो आपने नेक्स्ट वीक जो है उस चैप्टर को दूसरे वाला जो आपने पहले किया हुआ सिस्टम आपने उसको गो थ्रू करना है, उसके साथ साथ आप अगला भी करें। फिर इस तरह जैसे ये चैप्टर एंड होगा एक टाइम ऐसे आएगा कि आपसे जब बंदा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे हाँ जी ना फलां लाइन के अंदर फलां पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है और आपको आपके आंखों के सामने वो पेज आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो रिवीजन की हुई है। जब आप बार बार रिवीजन करते हो तो आपकी आंखों के सामने पेजेस आते हैं, ये हकीकत है। जब आप पढ़ते हो तो आपकी आंखों के सामने पेज और आप इजीली वो बता रहे होते हो। तो बेहतरीन तरीका रिवीजन रखो आप वीकली, ना कि आप मंथली रखो या किसी और चीज पे रखो। जब आप वीकली रिवीजन रखोगे आप काम आप बिल्कुल फिट हो गए, मतलब आपने जो पढ़ा आपने वो वीकली जो है वो जनाब आपने एक तरह का रिवाइज करना है। एक टाइम ऐसे आएगा कि आप बुक जो है वो 3 घंटे में खत्म करोगे। मुझे अभी भी याद है हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो मेरे दोस्त थे, हमने पूरी की पूरी जो बुक थी बायोकेमिस्ट्री की वो 2 घंटे में कवर की थी। और यकीन करें हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर तकरीबन पूरे का पूरा जो MBBS था उसके अंदर आपकी सर्जरी, उसके अंदर पीर्स, उसके अंदर आपके गायनी ओप्स, ये सारा सारे के सारे जो था वो हमने 8 घंटे के अंदर ये सारी जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे। आपको लग रहा होगा कि यार ये एवं ही है लेकिन इसको मैं सच दिखाने के लिए आपको आपका पास्ट की तरफ लेके जाता हूँ। जस्ट इमेजिन करें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते थे आपके इंटर के लेवल के अंदर, तो क्या आप अपने जो आपके जो क्लास फेलोज होते थे आपको ये नहीं बताते थे हाँ यार ये चैप्टर हम डिस्कस करते थे, बुक साइड पे होती थी और आप 1-2-3 घंटे के अंदर पूरी बुक्स रिवाइज कर लेते थे। अगर जिसने पढ़ा होगा ना इंटर के अंदर, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको याद होगा हाँ हाँ यार हम ऐसे कर लेते थे। यहाँ पर आकर किर्गिस्तान के अंदर आकर या फॉरेन कंट्री के जाकर अंदर जाकर हमारा जो माइंड होता है वो काम करना और नीचे की तरफ जाता है। अल्लाह ताला ने हमारा माइंड इस तरह बनाया आप जिस तरह उसको चलाते हो वो उसी तरह अडेप्ट हो जाता है। अगर आप इसको 2 घंटे पर रखोगे ये सिर्फ 2 घंटे ही काम करेगा, इससे ज्यादा ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप रखोगे ना इसको कि हाँ जी जनाब ये पूरी बुक उसके माइंड में आपके स्टोर हो, तो यकीन करें आपके माइंड में पूरी की पूरी बुक स्टोर हो गई। आप बता सको कि हाँ जी जनाब ये पेज के ऊपर ये है ये इस तरह ये इस तरह ये इस तरह। और अभी ये फर्स्ट एड की बात हो रही थी, बच्चों ने कहा कि हाँ जी जनाब फर्स्ट एड करनी है फर्स्ट एड करनी है। मैंने उनको ये बात की कि मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह 6-8 मंथ का ये जो ड्यूरेशन है ना इस ड्यूरेशन के अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपकी फर्स्ट एड आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। अब मुझे ये बताएं कि जो मैं पढ़ा रहा था उसके अंदर अंदर साथ में लाइन लाइन को एग्जाम्पल दे रहा था, साथ में एमसीक्यूज कितने करवा रहा था, सिर्फ इस वजह से कि आपको वो लाइनें भी याद हो, आपको एमसीक्यूज भी याद हो, जो चीजें उसके ऊपर कम है वो ऐड करो। आपने दूसरी बुक बनानी है, बुक से डबल बुक बनाए, ना कि उस बुक से ही बस लगे रहो। अगर आप एक बुक से 2 बुक्स बनाना जानते हो फिर आप अच्छा पढ़ सकते हो, इसका मतलब आपकी अच्छी रिविजन हुई हुई है, आप अच्छा जान रहे हो। अगर ये रिविजन वाला किसी का पॉइंट क्लियर हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब कि दोबारा पूछ सकते हैं। जो चीज इसके अंदर कवर नहीं हुई वो हम बता देंगे। और कोई क्वेश्चन डॉक्टर अली नवाज से, डॉक्टर उस्मान से, और कोई आप लोगों ने कोई बात करनी हो, कोई पूछना हो, कोई भी चीज कुछ भी ऐसा वो आप पूछ सकते हैं कोई भी, तो ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू करें। यार जबी भाई जैसा आप बता रहे हैं ना, तो मैंने और उस्मान ने लास्ट डे जो था ना नाइट तो बिल्कुल भी आपने पढ़ना नहीं है यार, सब कुछ छोड़ देना, कुछ टॉपिक रह जाती है आप छोड़ दो, आपने नींद पूरी करनी है। तो लास्ट डे में तकरीबन मैंने और उस्मान ने ना 12 बजे पढ़ना स्टार्ट किया सुबह, ठीक है, और हमने रात को 8-9 बजे तक जो है ना पूरे की पूरी स्टेप 2 सीके जो है वो पढ़ ली हुई थी, और इवन उसके साथ सर्जरी भी हमने की थी माशाल्लाह। और जबी भाई मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप टेस्ट वगैरह ले ना तो स्टूडेंट्स की ना पैसिव डिस्कशन जरूर करवाएं, उससे बहुत फायदा होता है। मैंने और अली ने भी ना तो आखिरी 2-3 दिन तो हम साथ ही रहे थे, तो एग्जाम से पहले और एक रात पहले जो हमने डिस्कशन की थी ना उससे बहुत फायदा हुआ। इवन के एग्जाम से पहले हम 1 घंटा डिस्कस कर रहे थे, तो एग्जाम हॉल तक जाते भी हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए, और वो कसम से वो एग्जाम में जब अंपायर हुए तो कम अज कम कुछ 7-8 MCQs वो थे जो हमने डिस्कस किए, इससे बहुत फायदा हुआ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है और नॉलेज भी थोड़ा इंटरचेंज हो जाता है। तो कोई बच्चा इसको वो ना समझे कि मेरी तैयारी कम है मेरी तैयारी ज्यादा, जैसे कल की नवाज ने पहले कहा कि सब डिफरेंट बुक से पढ़ा होता है और सबका डिफरेंट होता है। मैंने इन बच्चों के लिए पता क्या काम किया था, देखे मैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ। मैंने पहले भी जब आपकी आपने बात शुरू की थी तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जो क्रेडिट जो जाता है वो आपकी अपनी जात को जाता है। क्यों? अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे तो फिर जनाब आगे वाली चीजें जाती हैं, ठीक हो गया। देखें मेन बात पता क्या बच्चे, मेन ये है कि मैंने इनके सेपरेट इवन तक के ग्रुप्स बनाए थे, शायद ये अभी जितने बच्चे हैं ये जानते हैं। मैंने इनको ये कहा था कि हाँ जी जनाब आपने
इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को जब आपका ये खत्म होगा आपने डिस्कस करना है। इन लोगों ने, दो तीन बच्चों ने बहुत इफेक्टिव तैयारी की, तकरीबन थे 10 के 12 10 बच्चों का मेरे रिस्पॉन्स बहुत एक्टिव आया। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, इस तरह करता हूँ मैं फेसबुक के ऊपर पेज बना देता हूँ, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर एक ये भी बात आती है कि मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि क्या लड़कियों और लड़कों का ग्रुप एक होना चाहिए। फिर मेरे जहन में ये आता है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ और बातें निकलें, ठीक हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फेसबुक के ऊपर प्लेटफॉर्म एक बन जाएगा, जिसका दिल होगा ओपनली वो आकर जनाब एक तरह का मैसेज करे, और उसके बाद जो है वो जनाब डिस्कशन करते रहें। हर किसी को इजाजत है वो जाके जनाब आपका फेसबुक के ऊपर जो हमारा पेज है उसके अंदर जाए, ग्रुप जो बना हुआ है उसके ऊपर जाए, और जो है वो जनाब आपका जो MCQs है वो पोस्ट करे, उसके बाद डिस्कशन हो। वहां पर भी इन बच्चों का वो ही वाला रिस्पॉन्स था, क्योंकि मेरा एक तरह का ये मैंने करना। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है कि मेरा ये इरादा है कि जब मैं CVS का सिस्टम इनका एंड करूँ तो इसका CVS के प्रॉपर टेस्ट लूँ, उसके बाद फिर इनकी आपस में डिस्कशन हो, ताकि फिर ये अपने अपने ग्रुप के अंदर ये डिस्कस करें एक दूसरे से, ताकि इनकी एक तरह की तैयारी हो। मैं ये चाहता हूँ, यकीन करें मेरी यहाँ तक के ये बंदे जो अभी इधर है ना, ये बंदे मेरे साथ होते थे तो जब मैं उधर भी पढ़ा रहा होता था, और ये बंदे ये कहते थे कि यार तू कैसा बंदा है हर वक्त इन बंदों के ऊपर इतना तुम टाइम लगाते हो पढ़ाने के लिए, तो तुम अपनी जात को टाइम नहीं देते। कभी कभी ऐसे होता था कि ये बंदे चले जाते होते थे, बाहर जाना होता था, और मैं फिर भी यही होता था कि नहीं यार मेरे बच्चे जो है मैंने उनको पढ़ाना है। अभी ऐसा होता है कि मेरे साथ वाले खाना खा लेते हैं और वो ये कहते हैं, मेरे अभी दोस्त हैं वो पता क्या कहते हैं, कहते तू किस बात का पढ़ा रहा है, तुझे खाना ही ठंडा ठंडा जो है नसीब होता है, तुझे खाना गर्म नसीब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बदकिस्मती इस तरह की होती है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ 10 बजे का टाइम होता है, 10 बजे 8 से तकरीबन 10 का, और 9 साढ़े 9 तक बंदे जो है वो खाना खा लेते हैं, और कुछ बंदे कभी कभी हम वेट करते हैं, लेकिन रूटीन मुख्तलिफ होती है। तो सिर्फ इस वजह से मेरी ये यकीन करो एक कोशिश है कि खुदारा आप लोग पढ़ लो। अगर ये, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ो, मैं ये कहता हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप किसी से भी पढ़ो। ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ मेरे से पढ़ो तो आप लोग कामयाब हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप वो हो जाओगे, लेकिन इधर आने से पहले आप पढ़ लो। उसकी रीजन ये है कि जब आप इधर आते हो ना, यहाँ पर आपको बातें सुननी पड़ती हैं, आपके पेरेंट्स इवन तक के आपको उनको बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ जी थोड़ा पुत्र हूँ बाहर से ना हूँ पता लगेगा ना जी, तो इनका पता लगेगा कि इनका पेपर क्लियर होता है कि नहीं होता। इंसान अपनी नजरों में शर्मिंदा होता है, ठीक हो गया, इंसान अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, और इंसान तब जाकर ये कहता है कि या अल्लाह काश 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 मैं ना उधर पढ़ लेता। मैंने यहाँ पर वहां पर जो बंदे बिजनेस करते थे मैंने उनको खुद आपसे पूछा था, ठीक है, मैंने उनसे पूछा था, और उन्होंने पता है क्या, आप आकर वो क्या कहते हैं, कहते अगर वो हमसे अगर 15-15 लाख भी ले रहे और हमें पास कर देना तो मैं हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। ये नौबत थी, और वो बंदे जो कहते थे पढ़ना नहीं है कोई फायदा नहीं है, ये उन बंदों को मैंने रोते देखा है, उन बंदों को मैंने दुआएं मांगते थे या अल्लाह पास कर दो, अभी वो इस कंडीशन में है। और हकीकत जानो ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। मैं इस वजह से करता हूँ कि यार जो मेरे स्टूडेंट है ना अगर वो 50% देते तो मैं कहता मैंने 80% का मैंने 100% देना है ताकि अपने बच्चे जो है वो मेरे पढ़े। लेकिन अगर कुछ बच्चे, मुझे पता है मैं ये अकेडमी का सिस्टम अभी तक क्यों कंटिन्यू रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने शुरू से लेकर गया हूँ, उन बच्चों को मैंने स्टार्टनिक के अंदर मैंने पढ़ाया था, वो बच्चे अभी भी इधर हैं, और मुझे पता है कि हाँ जी जनाब मैंने किस तरह उनके ऊपर मेहनत की थी। और इंशाल्लाह मैं मेरा उस दिन मेरा शौक बहुत पूरा होगा कि जब इंशाल्लाह वो पहली अटेम्प्ट के अंदर पेपर अपीयर होंगे और इंशाल्लाह पास करेंगे, और वो दिन इंशाल्लाह बहुत कुछ ही साल है उसके अंदर वो आएगा। और ये बंदे जो हैं इन्होंने भी अल्लाह का शुक्र क्लियर किया, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी होती है इनके लिए, और इंशाल्लाह ये करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। पार्ट टू भी इंशाल्लाह निकलेगा, बस थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमेशा जो है वो इनको खुश रखे। लेकिन यकीन करें ये ना सोचे कि मैं सिर्फ अपनी जात के लिए कह रहा हूँ कि हाँ जी जनाब डॉक्टर जबीउल्लाह कहता है कि उसकी अकेडमी ज्वाइन करो। मैंने कभी किसी को पर्सनल जाकर मैसेज नहीं किया कि हाँ जी जनाब डॉक्टर जबीउल्लाह की अकेडमी ज्वाइन करो, किसी को और ना करो। भाई जिधर आपको अच्छा लगता है उधर पढ़ो, खुदारा पढ़ो, कुछ पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन उसके अंदर जब आपको इधर आओगे ना। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, जो बच्चे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड है ना, अगर मैं ये अभी फर्स्ट एड का ये सेशन मैंने शुरू करवाया हुआ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस चीज के अंदर आपको फर्स्ट एड जो होगी वो आपको लाइन बाई लाइन याद करवाना मेरा काम है। अगर हम 6 मंथ की बात हुई कि अगर हम 14-8 मंथ तक चले जाते हैं, हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को देखेंगे इंशाल्लाह, और क्वालिटी में कोई नहीं, आपका पेपर कौन सा जाते ही कोई 1 महीने में होने लगा है तो हम देखें कितना है, और इंशाल्लाह आपको पेपर की मुकम्मल तौर पर आपको पता लगेगा कि आपके अंदर नॉलेज है। ये चीजें बहुत है बच्चों, बाकी करना वो आप लोगों ने, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग अगर एक बंदा ये कहता है हाँ मैं अपने लिए, जो इंसान
अपने लिए 1.5 या 2 घंटे नहीं ना निकाल सकता वो कभी आपके साथ सिंसियर, अपने साथ जो इंसान अपने साथ नहीं सिंसियर वो किसी के साथ कैसे हो सकता है। तो ये बात भूल जाइए कि हाँ जी जनाब कोई बंदा कहे कि यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता, भाई 1.5 घंटा का टाइम नहीं होता, पढ़ने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए। और कोई बंदा ये कहता है भाई यार आज क्लास ना ले कल ले लेना, उसको कहो कि भाई यही तो मेरा 1.5 घंटा मेरा पढ़ने का था, पूरा दिन तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, और इस 1.5 घंटे के अंदर तुम कह रहे हो नहीं यार अभी क्लास ना लो बाहर जाओ, तो तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन हो। सीधी बात है, सबसे पहले इंसान की जो होती है वो अपनी केयर होती है, जब इंसान अपनी केयर नहीं करता तो वो दूसरों की क्या खा केयर करेगा। तो बेहतर अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा, ये नहीं है कि हाँ जी जनाब आप खुद पहले पढ़े नहीं और उसके बाद पढ़ाने चले जाओ, लोगों ने थप्पड़ ही लगाने। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, जिसके बाद इंशाल्लाह आप लोग, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब भी करेगा, पास भी होंगे, सारी चीजें ईजी भी होंगी इंशाल्लाह। और कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में है पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी हम क्यों ड्राई जा रहे हो। और रवि भाई छोटी सी बात जी, मैं तो यही कहूंगा बच्चों को, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किर्गिस्तान की लाइफ होती है बड़ी याद आती है, हमें भी जब हमारे हाथ में डिग्री आई थी तो हमें आंखें तब खुलती हैं, ये बात तो है कि जब डिग्री हाथ में आती है तब इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं। तो इसलिए जो लाइफ है ना किर्गिस्तान की, ये सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट भी है और सब जो को ये मैं एडवाइस भी है कि अच्छे से इंजॉय करके आना, जो जबी भाई ने कहना ये बातों पर तो अमल करना ही करना 100% है, उसके अलावा अपने आप को इंजॉय करना भाई, क्योंकि भाई ये जो इंजॉय करके आओगे ना ये बातें यहाँ पे आगे बड़ी मिस होती हैं। हमसे पूछो कि हमें वो किर्गिस्तान वाले के वो वेदर कितना याद आता है कि वो सारी चीजें मैं मैं इनको ना, मैं इनको पता क्या कहता तो हूं, ये बातें आपने इंजॉय करके आनी है, मैं इनको पता क्या कहता हूं, करके आना है। मैं इनको कहता हूं आप पूरा आप ना 24 घंटों में से ना 3 घंटे बस निकाल के बाकी सारे घंटे जो है ना वो इंजॉय करें, आप जो मर्जी काम करना चाहते हैं आप करें, चिल करें, ये बड़ी जो मर्जी करें। जबी भाई ये 2-3 घंटों में ना जो स्टडी को देने ना 2-3 घंटे उनमें अपना मोबाइल साइड पे रख दें, अपना लैपटॉप आईपैड जो भी हर चीज साइड पे रख लें, वो सिर्फ अपने स्टडी को देने, दुनिया को अपने भूख देने 3 घंटों में, या 2 घंटे भी आप पढ़ते हैं ना जो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, 2 घंटे भी बहुत है यार आप लोगों के लिए, लेकिन आपने सिर्फ स्टडी को देने, ये नहीं कि आप मैसेजिंग करने लग जाओ, आप फेसबुक पढ़ने लग जाओ पढ़ाई के दौरान, ये काम नहीं करना भाई। मेरा तो यही मशवरा है कि बशकीक का कोई ऐसा तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो जो आपने ना घूमी, हर जगह घूम के एंजॉय करके आओ, बशकीक के सारे नाइट क्लब जाओ, हर तरह क्लब जाओ, अच्छे से एंजॉय करके आओ जिस तरह हमने किया, तो एंजॉय करके पढ़ो एंड में पढ़ना भी। तू मेरे बच्चों को खराब ना कर, आई समझ सभी भाई, मैं बच्चों को कर रहा हूँ मोटिवेट, रिलैक्स भी करना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। नाइट क्लब जो भी सीन है जिस बंदे को बेहतर लगता है जाना चाहिए, ठीक है, और जो बंदा कहता है कि नहीं उसके लिए भी सही है, वो आप लोगों की पर्सनल अपनी चॉइस है, लेकिन ये है कि आप लोगों को खाना खाएं, चिल करें, हर तरफ जो भी है वो करें, ये जरूरी चीजें हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे ना वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, वो जरूरी है। मैं पहले भी कहता था इस बात के ऊपर, मैं अभी भी कहूंगा, देखें आप लोगों को जो हालात नजर आते हैं ना तब के और होते हैं, जब पीएमडीसी से पीएमसी बना था तो 90% रिजल्ट आया था, समझ आ रही है, 89% रिजल्ट आया था, उसके बाद जनाब 33% रिजल्ट आया था, फिर जनाब 12% रिजल्ट आया था, फिर 6% रिजल्ट आया था, और उसके बाद अभी रिसेंटली पीएमसी का जब आप रिजल्ट देखोगे ना पार्ट टू का 4% रिजल्ट आया था। तो जब आप ये नाइट क्लब और उसके बाद ये सारे सीनों में पढ़ोगे ना एकदम, और पढ़ोगे नहीं, और उसके बाद 3 घंटे मैं चाहता हूँ कि 3 घंटे रोजाना दे दो बस, और कुछ भी ना करो, तो फिर जो है ना लग पता जाएगा कि सीन क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नहीं वो भाई बैलेंस रखना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम रखना चाहिए, वो फिजिक्स में भी तुमने वो एक टर्म इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस लेवल रखना, लेवल बैलेंस तो जरूरी है ना, वो चीज लाइफ के अंदर आप लोगों के होना चाहिए, चिल करें आप लोग, घूमें, कोई ऐसी बाकी जगह नहीं होनी जहां आपने खाना ना खाया हो, इनको तो मैं खुद कहता हूं कि जाएं घूमें फिरें, लेकिन 2 से 3 घंटे रोजाना, बाकी 19 घंटे आप जहां पर मर्जी लगाएं, सिर्फ 3 घंटे आपने पढ़ना, बाकी 19 घंटे जितना मर्जी जाओ। अच्छा यार ये मेडिसिन का सोर्स पूछ रहे थे मुदस्सर हबीब के, एमसीक्यू सोर्स बता दें, वही बात है यार, वही मुदस्सर डॉक्टर अली नवाज ने तकरीबन 2 से 3 दफा बता दी थी कि एक मेडिकल की ऐप है, दूसरी यूएसएमएली स्टेप टू सीके है। एक काम कीजिएगा, यूएसएमएली स्टेप टू सीके के पीछे और यूएसएमएली फर्स्ट एड के पीछे ना एक पेज 2-3 दिए हैं कि उनके ऊपर ना एमसीक्यूज दिए होंगे, वो आपने लाजमी कर लीजिए, क्योंकि उसमें से भी एमसीक्यूज काफी ज्यादा आ जाते हैं, काफी ज्यादा आते हैं,
वो भी, और रवि और भाई स्टेप टू सीखे के पीछे ना वो रिव्यू भी दिया होगा ना, रैपिड रिव्यू, हाँ वही वो भी वो पढ़ करते लेगा, हैं उससे बहुत फायदा होता है, उससे उससे भी बहुत बहुत फायदा फायदा होता हुआ था मुझे। वो रैपिड रिव्यू मैक्सिमम आप 2-2.5 घंटे में कर लेते हो। रैपिड हाँ, रिव्यू का मतलब है कि वो आपने बहुत पूरी जरूरी स्टेप है। टू यू सीखे स्टेप एडवाइस टू लिया सीखे सर, व्हाट जी, अबाउट वो रैपिड स्टेप टू रिव्यू भी सीखे, बच्चों हाउ को लॉन्ग विल बताइएगा। इट टेक टू कवर एंड एडवाइस आफ्टर जॉइनिंग योर फर्स्ट एड एंड स्टेप वन डेस्टिनेशन। देखें, जो आपका स्टेप वन जब आप निकल जाते हैं ना, तो स्टेप वन के बाद जो आप जिस बंदे को यूएसएमएल फर्स्ट एड आ जाती है ना, उसके लिए यूएसएमएल स्टेप टू सीखे पढ़ना मेरे ख्याल में वो खुद ही पढ़ लेता है उसको। मोर देन तकरीबन जो है ना, मोस्टली बच्चों के लिए उसको किसी गाइडेंस की खास जरूरत भी नहीं होती, लेकिन यूएसएमएल स्टेप टू सी के जो है वो आप जल्दी कर सकते हो, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये नहीं है कि हाँ जी जनाब, अगर आपको पार्ट वन स्टेप वन आता हो, क्यों, क्योंकि 70% वही बातें हैं। अगर एक बच्चा जो फोर्थ ईयर के अंदर है या फाइनल ईयर के अंदर है, उसको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि जब मैं आपको यूएसएमएल स्टेप वन करवाऊं और जो सिस्टम मैं करवा रहा हूँ उस सिस्टम की जो आपने इस तरह करना है कि वही सिस्टम जैसा कि मैं सीवीएस करवा रहा हूँ, सीवीएस की जब मैं पैथोलॉजी करवाऊँ ना बच्चों, आप लोगों ने ये काम करना है कि यही पैथोलॉजी आपने उधर जाकर पढ़नी है स्टेप टू सीके से, तो आपकी खुद ब खुद कवर हो जाएगी। 30% यू बातें होंगी वो आपने पढ़नी है, वो आपको वैसे आ जाएंगी ना, अगर आगे पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर कोई सेकंड ईयर के अंदर बच्चा है, थर्ड ईयर के अंदर बच्चा है, और अगर उसका फोर्थ ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उनको अभी फोर्थ ईयर नहीं बल्कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के अंदर बच्चा है, तो उसको चाहिए कि अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपना फुल जोर लगाए। 2 साल होंगे, आराम से स्टेप टू सीके निकल जाएगी और इधर आकर भी आपके पास टाइम होगा, आप ही ये चीजें रिवाइज करते रहेंगे। जो बच्चा इंशाल्लाह रवि भाई आपके पास पढ़ेगा ना, और वो तो इंशाल्लाह हो भाई जाएगा पास, क्योंकि आपके बच्चों का बंदे मैंने को कैलिबर कोई भी देखा है, गाइडेंस माशाल्लाह बहुत चाहिए अच्छे बच्चे हैं। उस दिन भी हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि जब रवि भाई के जूनियर स्टूडेंट्स हैं ना, वो काफी इंशाल्लाह ऐसे बच्चे भी हैं जो कि सीनियर्स को मात देते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं मुझे यही है कि आप जो लोगों बच्चा को आपके एक मजे से की बात करेगा बताता वो तो हूं। इंशाल्लाह पास देखें, है। ये डॉक्टर अली नवाज और डॉक्टर उस्मान शेर ने आपके साथ टेस्ट भी दिए हुए हैं, समझ आ रही है? कई ऐसे टेस्ट हैं जो डॉक्टर अली नवाज और डॉक्टर बस उस्मान शेर ने आप लोगों के साथ दिए हुए हैं, और वो जो अगली टेस्ट बात हुए रिजल्ट भी दसना, और रिजल्ट आगे भी वाली बातें मैंने नहीं बतानी थी, है ना? तो अब यार रवि भाई देखें, वो मुझे इतना पता है, भी दिन यकीन करें कि थे, रवि इंशाल्लाह ये भाई निकला कुछ वो भी दिन थे, आप जब कहते होते थे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब रिवीजन करते थे ना, तो आप कहते होते थे हाँ भी अली नवाज दास, अली नवाज तो हमारी 19 ही होता। मैंने कहा वो भी दिन थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे, अगेन आपके लिए बेस्ट ऑफ विशेस हैं। और यार इन बंदों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। हम मोस्टली मतलब अभी तो हम एक दूसरे की बहुत इज्जत कर रहे हैं, इन्होंने कभी मुझे सीनियर नहीं समझा। ये मेरी करते हैं वो, होती ना जैसे टका के बेइज्जती और मैं इनकी कर रहा होता हूँ, ये सीन बस होता कर पगले है रुलाएगा क्या। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दिली तौर पर बहुत इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब दोस्तों में जो हिसाब होता है, एक दूसरे के साथ बहुत मजा, और उसके बाद खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मुश्किल में, दोस्ती में, हर तरह का जो मोमेंट्स है वो हम लोगों ने साथ गुजारे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार ये दोनों बंदे जो हैं वो मेरे रूममेट्स भी रहे हैं, और हम लोग वो जैसे होते हैं ना कि जो आपका रूममेट होता है वो तो जनाब मोस्टली हर चीज का आपको एक दूसरे का पता होता है, तो हमारा यही सीन होता था, ठीक है? तो अगेन अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, और मेरी तरफ से जो आपके पेरेंट्स हैं खास तौर पर, उनको मेरी तरफ से विश कीजिएगा कि और के माशाल्लाह उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यकीन करें कि जब ये चीजें आप लोग ये हासिल करते हो, तो सबसे पहले जो बंदा आपके माइंड में आता है वो आपके माँ बाप होते हैं। वो बंदा कहता है हाँ यार, जाते ही बस जो है ना माँ बाप को मैसेज करूं कि यार मैंने पास कर लिया। और आज आपके साथ हुआ होगा, मेरे ख्याल में आपने भी ऐसा किया होगा, ये अलग बात है अलीनवाज तुमने कहीं और किया होगा, लेकिन सुषमा शेर ने तो पहले नहीं बस भाई, रवि भाई खाते भाई सुषमा शेर नहीं वैसा खोलने, ही हुआ उसी खाते वैसा खोलो ही है सही रवि भाई साहब, किताब खोल के बैठ गए। नहीं रवि भाई, जब मैंने रिजल्ट तो ये देखा आपने सीन बताई नहीं, जैसे ही नजर लग आया जाती है। तो पापा जी सामने ही खड़े हुए थे, अच्छा और मजे की बात है वो भी बाजार में, मैं लाहौर से वापिस आ रहा था तो रिक्शा में बैठा हुआ था, तो बस उतरने लगा था, वहां पे मैंने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट देखते साथ अच्छा सामने पापा। तुमने तो मेरे पास आना था आज,
और ये बंदे का आज मुझे मैसेज आया था, मुझे कहता है कि जबी भाई कब फ्री हो रहे हो, मतलब ये आज लाहौर आया हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं 3 से 4 के दरमियान फ्री हूँगा। कहता मैंने आना है, मैंने कहा आ जाना भाई, पास हुआ उसके बाद मुंह ही दिखाया इसने। ऐसे होते हैं बंदे, देख लें आप लोगों ने भी ऐसे ही कहना, आप लोगों को जानना ही नहीं है। मैंने कहा आप कहाँ हो, कहता मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई जाना यार, वो ना वापिस आ रहा था इसलिए आ गया था, मेरे ऑर्डर हो गए थे हुजूर के, तो मेरे पास ना कोई कपड़े थे ना कोई एप्रन था, सब कुछ पतों की पड़ा हुआ था, तो बस वही उसी वजह से मैं वापिस आ गया। रवि भाई एक बात और यार, जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने ना हमें कंसिस्टेंट रखा है और कामयाबी का जो सबसे बड़ा मैं राज समझता हूँ ना, वो एक चीज है, वो आप बच्चों से मैं डिस्कस करता हूँ, वो क्या नमाज। जब से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आया ना, तो एक भी नमाज ऐसी नहीं है, एक भी नमाज ऐसी नहीं है कि जो हमने स्किप की हो। इसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा क्रेडिट है कि मेरी फैमिली में कुछ ऐसे हैं कि मेरे अब्बा जी की बस रूटीन है कि नमाज से बहुत सख्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी महीने तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें तहज्जुद ना पढ़ी हो हमने, और वो नमाजें। मैं समझता हूँ कि वो जो कंसिस्टेंटली थी ना, उसने बहुत फायदा किया। ये नमाज नहीं छोड़नी आपने, उससे बहुत फायदा होता है। और कभी भी यार ये भी होगी नमाज वाली बात, भी नमाज लाजमी पढ़नी है। और देखो वो कहते हैं ना रवि भाई तहज्जुद में छुपा है कुल का मां बाप होते हैं, ठीक है, तो मैं आपका रूहानी बाप हूँ, तो रूहानी बाप के लिए दुआ लाजमी करनी है, ठीक है। किसी भी तरह में रवि भाई हमारा भी स्टेप 2 है इंशाल्लाह, अभी 20 दिन में ना, तो हमारे लिए भी आप अपने स्टूडेंट से कीजिएगा कि हमारे लिए भी इंशाल्लाह दुआ कीजिए, वेल विशेस कीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी कामयाबी दे। ठीक है जी, मेरे ख्याल में हमने इन दो बंदों का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। फयाज भाई को स्पेशल थैंक यू, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था, फयाज भाई का मैसेज आया कि उस्मान भाई क्या बना, मैंने कहा भाई 29 को रिजल्ट आना है, तो कहते भाई रिजल्ट आ गया चेक करो, मैंने कहा चलो 2 मिनट रुकते हैं नमाज बाद में पढ़ते हैं, फयाज भाई की मैसेज से ही पता चला है, फयाज भाई ने मैसेजेस किए हुए हैं कि अभी भाई रिजल्ट सही हो गया। चलो यार याजी साहब बहुत शुक्रिया, आप लोग भी अब हो गए होंगे काफी बिजी, तो अगर मुझे लगता है आप लोगों की आवाज सही कवर नहीं है, क्लियर नहीं आ रही। ठीक है फिर सभी भाई आप करें फिर अपने बच्चों से क्लासेस वगैरह स्टार्ट, हमें दें इजाजत, फिर इंशाल्लाह होती है बात। एक ही उस्ताद जी खुली तौर के। हाँ यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम, ये तो नहीं मैं कहूंगा कि शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भाई शुक्रिया ये टाइम दिया, इतना कीमती वक्त में से आपको दिया टाइम। हाँ ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अब मैंने आप लोगों को आपसे उम्मीद भी नहीं है। और लाहौर आने से पहले कुछ जो है ना सामान, वो सामान लेते आइएगा, उस्मान कोई सामान लेते आना, ठीक है। और की खाना है यार मेरी जान, हुक्म ला यार तू बस कुछ भी इंशाल्लाह हम इधर कुछ शाप। कौन सा कह रहे हो जानी, क्या ये सामान कौन सा मंगवाया जा रहा है? ये सामान भाई मेरे पास हर हमेशा मेरे बैग में होता है, ये मैं किर्गिस्तान से स्पेशल लेके आया हूँ सामान। खाया जाएगा टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए हम स्पेशल जो है ना दोनों भाई कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। और बिल्कुल मिल जाएगा। और बाकी यार ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कल होती है दोबारा मुलाकात, और कल दुआ कीजिएगा सब लोग इंशाल्लाह कल अच्छे टॉपिक और पढ़ना है, और इंशाल्लाह फिर ना दुआ में याद रखना, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना, और फी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इसके साथ ही मैं मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज ब्रो, अल्लाह हाफिज।